मोदमाना सीता देवताः तावद् रामागमनं प्रतीक्षते यावद् रामागमनं प्रतीक्षते तावद् तथाभिषेकत्वात् धुर्मनस्कं हतकान्तिं लज्जावनतमुखं प्राप्तं रामं दृष्ट्वा कुतस्त्वाम् अभिषेकसम्भारैश्वर्याति ಅಹ್ ವರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಸಂವರೈಶ್ವರ್ಯಾ ನೋಪತಿಷ್ಠೆ ಕುತಶ್ಚೇದೈರ್ಮಸ್ಯ ಧೈರ್ಮನಸ್ಯ ಸೀತೆಯ ಪೃಷ್ಟೋ ರಾಮೋ. षेक किं चतुष वत्सर वनवास सव्य पिताजप्त वन प्रवशाव पिता यहापूर्व सवस्व मूएता भरतशत्रुघ्नौ भ्रातृपुत्र निर्वेश निर्विशेषम चोपावर्तस्वेति सीता प्रायुयुजत अभिवाद्यतु कौसल्यां राम सम्प्रस्थितो वन, वनं कृतस्वस्य यनो मात्र धर्मिष्ठे वर्तनिस्थितः विराजयन्राजसुतो राजमार्गं नरेश वृत्तं हृदयान्यमयन् यामयन् हृदयान्यामन्तेन जनस्य गुणवत्तया वैदेही चापि तत् सर्वं नशुश्रवतपस्विनी तदेव हृदितस्यस्य शौवराजा विशेषणं देवकार्यं स्मस्साकृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्मणां राजपुत्री प्रतीक्षते प्रविवेशात् रामस्तु स्ववेशमसुविभूषितं प्रहृष्ट जनसंपूर्णम् अह्रिया किञ्चिद्धवाव अवमुखः अत सीता समुत्पत्य वेपमानाचतम् पतिम् अपश्यत् छेकसंतप्तम् अपश्यत् छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकुली तेन्द्रियम् अपश्य य शोक संतप्तं चिन्ता व्याकुलिते तेन्द्रियं ताम दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा नशशक मनोगतं तं शोकं रागवस्सोढं ततो विवृततां गतह विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्न नमः नमस् मार्षणं आह दुःख

वलगुचन छत्रेन अभिविराजते व्यजना अभ्याम्च मुख्या अभ्याम षटपत्रा पत्रनिभेक्षनम् चंद्रहम सप्रकाशाभ्याम् विज्ञेते वाग्मिनो भंधिनश्चापि प्रहरुष्टास नरषभ स्तुवंतो नाद्य दृश्यन्ते मंगले सूतम आगताः आगदाः नते क्षौद्रं च ददि च ब्राह्मणादे वेद पारगाः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तश्च मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य विधानतः न त्वां प्रकृतयः श्रेणी मुख्याश्व भूषिता हा अनुव्रजितो मिच्छंती तदा अनुव्रजितो मिच्छंती पाऊरजा न पदास्थता चतुर्भिर कांचन भूषने हि मु पुष्परथो युक्त कि गति नीती जाग्रत श्रीमालक्षण पूजि प्रयाणे लक्ष्य वीर कृष्ण मेघगिरि प्रभ न च कांजन पश्यामि पश्या प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य या तं अभिषेको यदा सज्ज किव अपूर्वो सुखवर्णश अपूर्वो मुखवर्णश न प्रहर्षश लक्ष्यते इती विलपतीोच रघुनंदन रघुनंदन सीते तत्र भवान् भ प्रव्रजयती मां कुले महति संभूते धर्म जे धर्मचारिणी शुणु जानक्रमेनाध्यागत मम राजा सत्य प्रति पिता दशरथेन वै केय के मम मात्रे तो पुरा दत्तौ महवरौ तया तैध्य मम सज्जेस् नभिषेकेन्द्रपोद्य प्रचोदित सो धर्म प्रतिर्जि चतुर्दश हि वर्षा वस्तव्य दंडके मैया पिता मे भरत यौवराज्य निजि सोहम भरत समी कथय कदाचन ऋद्धिुक्ता हि पुषा न महंते पर तस्ुण कथ्या भरतस्ग तो मम अहम तेनाव्यो विशेषेण कदाचन अकूलतया वाक्यम समीपे तस्य वर्तितुं तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं सप्रसाद्य नृपतिश्च विशेषतः अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरो समनुपालयन् वनमध्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी याते च मयि कल्याणी वनं मुनि निषेवितम् व्रतोपवास परया भवितव्यं त्वया नघे कल्यमुद्धाय के, के 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 कल्यम केल्यमुद्धाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ल्य देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो व्यो दशरथ पिता मम च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्म कृत्वा

भ्रातृपुत्रसमौ चापी च विशेषत वया भरत शुघ्नौ प्राण प्रियतरौ मम विप्रियन कर्तव्यम भरत कदाचन सहिराजा च देश से आराधिता ही।

समनुवर्तिनी भरतस्य रथा धर्मे सत्यव्रतपरायनम् अहम् गमिष्यामि महावनं प्रियत्वायाहि वस्तव्यमि हे वा बामिनी यताव्यलिकं कुरुषेन कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षड्विंशः सर्गः